नाज़रीन आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। इस वक्त हम मौजूद हैं चंदनवाड़ी मार्केट में। जैसा कि हमने देखा, गिंगल मार्केट देखा, बोनियार मार्केट देखा, अनलॉक के बाद यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि जब चार दिन के बाद बाज़ार खुलता है तो काफ़ी भीड़ रहती है। अब बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हुकूमत अगर ऐसा करे कि तीन घंटे हर दिन छोड़ दिया जाए, ताकि ज़्यादा जो भीड़ है ओवर क्राउडेड ना हो। इसीलिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बहुत सारे, इनसे बात करेंगे इस हवाले से कि लॉकडाउन का कितना असर पड़ रहा है और क्या नुकसान हैं इसके। हमारी सबसे ज़्यादा गुजारिश आवाम से है कि जैसे ऊपर से गाइडलाइन है उस पर हम अमल करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, अपने मास्क का ख्याल रखें। तो इन चीज़ों से हम इसको जितना एहतियात करेंगे उतना हमारी ये बीमारी कम हो सकती है। आपको लगता है कि इसकी वजह से जो आम आदमी है, जो गरीब लोग, हाँ गरीब लोग, तो मसला है कि गवर्नमेंट खुद करिए प्रॉब्लम, गवर्नमेंट मसला करिए कि जो बैंक आज छह दिन के बाद खुल रहा है, इसकी वजह से मसला ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो दूर के लोग होते हैं, अगर पसंद गाड़ी बंद थी ठीक थी, लोग पैदल चढ़ जाएंगे, दो चार आदमी तीन होते हैं, कोई रश नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। ये बैंक बंद करते हैं छः दिन के लिए, सात दिन के लिए, लोगों को प्रॉब्लम होती है, लोगों को दवाई के लिए पैसे चाहिए, कुछ चाहिए, सबके पास एटीएम नहीं है, सबके पास एटीएम नहीं है। लोग बेचारे आते हैं, अंगूठा छाप होते हैं, वो आते हैं बैंक में, उनसे ज़रा रश पड़ता है, इसलिए प्रॉब्लम जाती है। अगर डेली बैंक खोला जाएगा कोई रश नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं है, जैसे मार्केट बंद करते हैं इसका प्रॉब्लम ये होगा, बैंक डेली रखे खुला दो बजे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मार्केट खुला रहना चाहिए। अगर दो बजे तक मार्केट खुला रहेगा कोई रश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हफ्ते में तीन दिन मार्केट खोल दो, तीन दिन दो बजे तक खोल दो, जैसे बारामूला में सब प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो दुकानें बंद है सबके पास, यहाँ कोई वैसे दुकानदार है नहीं। बोनियार से कश्मीर क्राउन के लिए मैं जावेद मजीद, आप देखते रहें कश्मीर क्राउन।